बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, मिसेस अफशान नज़ीर, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। आज हम वेब प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग की बुक का थर्ड चैप्टर है, लिस्ट इन HTML। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लिस्ट किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, कितनी कैटेगरीज होती हैं और हर लिस्ट जो है वो उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और वो किस तरह से यूज़ की जाती है। आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बताया था, बात की थी कि HTML में जो है वो हम मुख्तलिफ पेजेस बनाते हैं और उन पेजेस को अट्रैक्टिव वे में जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट का, उसमें आप PPT की स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की गई हैं, इनको गौर से देखिएगा। फर्स्ट हमारे पास है लिस्ट इन HTML। तो HTML लिस्ट आर यूज्ड टू प्रेजेंट लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेल फॉर्म एंड सिमेंटिक वे, यानी इंफॉर्मेशन आप जो भी शो करवा रहे हैं किसी पेज पे, उनको तरतीब से और बहुत जो है वो सिमेंटिक वे में जो है वो हमने शो करना है, तो हम लिस्ट की मदद से शो करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं HTML में और हर लिस्ट की जो है वो स्पेसिफिक पर्पस और मीनिंग है। तीन टाइप्स ऑफ लिस्ट की बात करते हैं, अनऑर्डर, ऑर्डर और डिस्क्रिप्शन। अनऑर्डर लिस्ट सबसे पहले हम देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट आप उस वक्त क्रिएट करते हैं, नाम से ही जाहिर है, कोई तरतीब नहीं है, कोई मैनर नहीं है। जब आपने लिस्ट को क्रिएट तो करना है लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं। सेकंड वन है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक तरतीब देनी है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जब आप डेफिनेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं तब यूज़ करते हैं। लिस्ट आइटम में आप पुट कर सकते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक, लाइन ब्रेक्स। आप इसमें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी जो है वो, जिसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, जैसे आप लोगों ने थर्ड ईयर में लूप्स पढ़े थे कि अ लूप इनसाइड अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, इसी तरह अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो सबसे पहले डिटेल में हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर लिस्ट जब आप क्रिएट करते हैं, तो जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं कि HTML जब हम यूज़ करेंगे तो HTML हम टैग्स के साथ यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ टैग्स जो हैं वो उनके डिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ करेंगे। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग हम यूज़ करेंगे वो होगा UL, अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट के साथ जो आइटम स्टार्ट होगा उसको हम LI एलिमेंट के साथ जो है वो शो करवाएंगे, और लिस्ट आइटम जो है वो उनको जो है वो बुलेट्स के साथ जो है वो शो करवाया जाता है। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ जो है वो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन है डिस्क, यानी आप तरतीब दे दें चीज़ों को, जैसे आप लोग फॉर्म्स फिलअप करते हैं, एडमिशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वहाँ पे जो है वो 1, 2, 3, 4 जैसे आता था। तो अब आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे क्योंकि ये अनऑर्डर है, इसका कोई स्पेसिफिक मैनर नहीं है, तो इसमें हम जो कैटेगरी यूज़ करेंगे, स्लाइड नंबर 5 है हमारे पास, इसमें आप देखें या तो डिस्क का साइन बना होगा, या सर्कल या स्क्वायर या कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको हम किस तरह से शो करवाएंगे कि हम लिस्ट में शो करेंगे टाइप, TYPE टाइप मेंशन करेंगे कि हमने डिस्क देना है। डिफ़ॉल्ट स्टाइल है डिस्क, आप अगर नहीं देंगे तो वो डिस्क शो करवा देगा। लिस्ट आइटम को मार्क करवा देंगे बुलेट्स के साथ। इसी तरह आप सर्कल टाइप करेंगे तो सर्कल शो हो जाएगा, आप स्क्वायर टाइप करेंगे तो स्क्वायर शो हो जाएगा, और आप
कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी जो है वो शो नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल एक दी हुई है अनऑर्डर लिस्ट में स्लाइड नंबर 7 पे, इसको गौर से देखें। सिंपल सी एग्जांपल है, सेम एचटीएमएल, उसका टाइटल, उसकी बॉडी में हम लिस्ट शो करवाएंगे, लिस्ट की कैटेगरी हमने यूएल रखी हुई है, उसके लिस्ट आइटम दिए हुए हैं, ठीक है। इसकी आउटपुट देखें, सिंपल हमारे पास जो है वो ये आउटपुट आ गई। अच्छा, अब सेकंड जो है वो उससे बात करने से पहले आप अपनी बुक के जो है वो चैप्टर नंबर 3 में लिस्ट की एग्जांपल्स जो है वो इनको डिटेल से देख लें, और अनऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल्स को आपने देखा होगा, इसमें ब्लैक टी कॉफ़ी वाली एग्जांपल दी हुई है, इसमें बुक्स वाली एग्जांपल दी हुई है, इसको गौर से देखें। उसके बाद सेकंड हमारे पास कैटेगरी है ऑर्डर लिस्ट की। जब हम ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी तरतीब से देना है, इसमें ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन लिस्ट आइटम को हम टैग जो यूज़ करेंगे वो तो ओएल होगा, इनको मार्क जब करेंगे तो वो हम नंबर से करेंगे, यानी इसकी टाइप से मार्क करेंगे, और वो टाइप हमारे पास क्या होगी, हम इसको न्यूमेरिक भी कर सकते हैं 1, 2, 3, हम इसको कैपिटल रोमन में भी कर सकते हैं, हम इसको स्मॉल रोमन में भी कर सकते हैं, हम इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक में भी कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, स्लाइड नंबर 11, वैसे ही आप टाइप करेंगे, लिस्ट की जो है वो कैटेगरी मेंशन करेंगे, आपने 1 किया है तो इसका मतलब वो 1, 2, 3 करेगा, आपने कैपिटल रोमन किया है तो वो कैपिटल रोमन करेगा, आपने स्मॉल रोमन किया है तो स्मॉल आएगा, अल्फ़ाबेटिक अपर केस किया है तो अपर, और लोअर किया है तो लोअर आएगा। स्लाइड नंबर 11 है, इसको गौर से देखिएगा, इसकी एग्जांपल दी हुई है स्लाइड नंबर 12 पे, इसको भी गौर से देखें कि हमारे पास ये किस तरह से दी हुई है, और इसकी आउटपुट देखें। हमने चूँकि इसमें टाइप कुछ भी नहीं लिखा, हमने सिंपल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि 1, 2, 3 है तो हमने कुछ नहीं लिखा, तो उसने हमें 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो मेंशन कर दिया। अच्छा, अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड को करने से पहले आप अपनी बुक में ऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल्स मेंशन हुई हुई हैं, उनको गौर से देखिएगा, उनको करने की कोशिश कीजिएगा, नोटपैड में उनको लिखिएगा। लिखने के बाद आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है किस तरह नोटपैड में लिखते हैं, उसको सेव करते हैं .html के साथ, फिर जब उसको ओपन करेंगे तो वो आपको आउटपुट शो करवाएगा। अब HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट थर्ड कैटेगरी है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बेटा सिंपल वैसे ही है जैसे आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, जैसे आप कोई एसे लिखते हैं, छोटा सा नेम उसके बाद उसकी डेफिनेशन, ठीक है। जैसे आप एसे लिख रहे हैं, आपने जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो एक टर्म थी ये इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने मेंशन कर दी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं DL एलिमेंट से, और DL एलिमेंट जो है वो DT एलिमेंट जिसको डेफिनेशन टर्म कहते हैं, ठीक है, इससे जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है, उसके साथ जो है वो यूज़ किया जाता है। ब्राउज़र यूजुअली क्या करते हैं कि रेंडर कर देते हैं डेफिनेशन लिस्ट को बाय प्लेसिंग द टर्म एंड डेफिनेशन इन सेपरेट लाइन, जहाँ पे टर्म डेफिनेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। अब एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें इसको गौर से देखें, डेफिनेशन लिस्ट हमने मेंशन की, टर्म दी हुई है एरीज, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो डेफिनेशन है वो दी हुई है 1 of the 12 होरोस्कोप, साइन। अब इसको गौर से देखिए आप, 1 of the 12 हॉरोस्कोप साइन क्या चीज़ है, इसकी डिस्क्रिप्शन, एक टैग ओपन हुआ उसके साथ ही जो है वो टैग क्लोज भी हुआ। फर्स्ट लेक्चर में हम ये बात कर चुके थे कि कुछ टैग्स के अलावा बाकी सारे टैग ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। जो है वो स्लाइड नंबर 15 पे एग्जांपल दी हुई है, इसकी फिर आउटपुट भी मेंशन हुई हुई है, इसको जो है वो आप गौर से देख लें कि किस तरह से जो है वो हम ये मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड लिस्ट।
एसिड लिस्ट अभी हम जब बात कर रहे थे, इसकी डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो तब हम बता रहे थे जब फर्स्ट में डेफिनेशंस की बात करते हैं लिस्ट की, तो हमने कहा था कि नेस्टेड लिस्ट भी होती है। जैसे हम थर्ड ईयर में लूप्स की बात कर चुके, नेस्टेड लिस्ट में कोई सी दो लिस्ट ऑर्डर और अनऑर्डर कर लें, अनऑर्डर और डिस्क्रिप्शन कर लें, ठीक है। आपकी बुक में जो है वो एग्जांपल्स देखें, ज़रा गौर से देखें, मेंशन हुई नहीं है तो बहुत अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। वेब प्रोग्रामिंग बहुत आसान है बेटा, अगर आप इसको जो है वो रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। और कमेंट्स में जो है वो हमें ज़रूर बताएं आपके जो क्वेश्चंस हैं, ताकि हम लेक्चर के बाद आपके उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करके आप तक जो है वो आंसर पहुंचाएं, ठीक है। लेक्चर को रेगुलर देखिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्लासेस फोर्थ ईयर क्लास लेक्चर को रेगुलर देखिएगा। HTML में कोडिंग, स्पेशली कोडिंग को गौर से करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने जो है वो फोर्थ ईयर का प्रोजेक्ट बनाना है, और वो कोडिंग जो पेजेस आप बनाएंगे, जो फॉर्म्स आप बनाएंगे, वो फॉर्म्स और पेजेस आपने इस HTML कोडिंग में ही बना, तो इसीलिए कोशिश करें कि इन पेजेस की जो कोडिंग है, इन कोडिंग को जो है वो शुरू से जो है वो समझने की कोशिश करें, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के एंड पे जो है वो लास्ट में आप कमेंट्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सॉल्व करके आप तक जो है वो ऐसे ही स्लाइड्स की सूरत में जो है वो अपने GCWKPR के चैनल पे जो है वो वीडियोस जो है वो अपलोड कर, ठीक है। और घर पे रहें, महफूज रहें, और साथ साथ अपने टाइम को जो है वो अच्छे से स्पेंड करें, ठीक है। अल्लाह ताला आपकी, हम सब की, और हमारे पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की जो है वो इस वबा से हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन, ठीक है। और जो है वो लेक्चर को गौर से सुनिएगा, गौर से कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं समझ आते, स्लाइड समझ नहीं आती, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।